राइट अ प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। इस प्रोग्राम में क्या करना है, दो नंबर, एक नंबर तुम्हें इनपुट लेना है और बताना है कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मैसेज प्रिंट कर देना है दिस इज इवन नंबर, और नहीं है तो दिस इज ऑड नंबर। इवन नहीं है तो ऑड है, तो अगर इवन हुआ तो मैसेज प्रिंट कर देना है दिस इज इवन नंबर, और ऑड हुआ तो मैसेज प्रिंट कर देना है दिस इज ऑड नंबर। सो शुरू करते हैं। क्लास, क्लास का नाम दे देता हूं मैं, जो फाइल का नाम है ऑड इवन फ्रॉग। देन मेन मेथड बनाएंगे, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग एआर। ओके, तो अब मेन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर इनपुट ले लो। तो स्कैनर, स्कैनर वाली लाइन लिखनी होगी हमें, स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर देन इन पैरेंथेसिस। सर आप ऊपर सर इनपुट नहीं दिए हैं सर, यूजर इनपुट। हाँ हाँ वेट, तो ऊपर एक लाइन ऐड करेंगे क्योंकि हमें यूजर इनपुट लेना है। सो इंपोर्ट, हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। हमने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इनपुट लेंगे, इंटीजर इनपुट लेंगे, तो मैं एन ले लेता हूं, एन में इनपुट ले लेते हैं। सो एन असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ओके, अब हमें क्या करना है, एन में यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। सो कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हमारा मॉड ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर देता है। जैसे अगर मैंने लिखा है 6 mod 4, तो 6 में 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 6 mod 4 2 होगा। उसी तरह मान लो एक वेरिएबल है आई एन टी एक्स जिसमें 12 है, और अगर मैं लिखता हूं आई एन टी जेड असाइन विथ x mod 5, यानी x में 12 है, 12 में हम 5 से मॉड ले रहे हैं, तो कितना आएगा, 12 में 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 2, यानी जेड में 2 स्टोर हो जाएगा। तो आई होप मॉड का मॉडुलस जो है, मॉड ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्या काम करता है पता चल गया होगा। सो कोई भी इवन नंबर कैसे पहचानेंगे कौन सा इवन नंबर होता है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जिस नंबर में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे 6, अगर 6 में तुम 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, यानी 6 इवन नंबर है। जैसे 12 में अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, तो 12 क्या है, इवन नंबर। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर होता है, और इवन नंबर के अलावा जितने नंबर बचे ऑड नंबर होते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे इफ, यानी अगर नंबर किसमें है, n में, तो नंबर में अगर हम मॉड लेते हैं 2 से, और ये किसके बराबर आ जाता है, तो जावा में दो चीजों को इक्वल्स दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको इक्वल्स टू बोलते हैं। ये जो सिंगल इक्वल होता है ये जावा में असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, ये राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर करता है। इक्वल दिखाने का काम कौन करता है, ये डबल इक्वल का साइन, इसको इक्वल टू बोलते हैं। आगे लिखा है एक्स इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है। तो एन मॉड टू अगर किसके बराबर होगा, तो एन इवन होगा, जीरो के बराबर अगर आ गया तो उस केस में इफ के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज इवन नंबर। और अगर इफ का कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर कहाँ आएगा, कंप्यूटर इफ के नीचे हम else लगाएंगे, else में आएगा, और else में हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज ऑड नंबर। सो डन, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यूजर ने n में एंटर कर दिया 13, तो कंप्यूटर, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सो अगर सपोज यूजर ने एंटर किया है n में 13,
तो कंप्यूटर इफ पे आएगा, एन में कितना है, एन में 13 है, तो 13 मॉड 2 कितना होगा, 13 में 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, तो एन मॉड 2 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 0 के बराबर है, भाई ये तो गलत है ना, 1 0 के बराबर नहीं है, यानी इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंप्यूटर इफ नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, फॉल्स होने पे एल्स, और प्रिंट कर देगा दिस इज ऑड नंबर। उसी तरीके से सपोज तुमने इनपुट लिया है 76, तो अब n में 76 है, तो इसमें 2 से डिवाइड करो, तो 76 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, नीचे 6 आ गया, फिर 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, तो n mod 2 0 हो गया, जो कि 0 के बराबर है, यानी ये सही लिखा है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ट्रू होने पे कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा दिस इज इवन नंबर, एल्स के अंदर नहीं जाएगा। सो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था इवन और ऑड चेक करने का।